नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन चैनल पे। सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आज पेपर टू का सितंबर 2016 का जो पेपर आया था सीटेट का, उसका 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करेंगे, क्वेश्चन को कैसे आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच पाएंगे, और हम लोग कॉन्सेप्ट भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, जिसके साथ आपको आगे आने वाला क्वेश्चन का जो सॉल्व करने में मदद होगा। तो ये लेक्चर नंबर 23 है। इसके पहले वाला लेक्चर चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, या फिर आप खुद प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सभी पेपर वन का जो प्रीवियस ईयर था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और हम पेपर टू का भी लगभग समाप्त ही करने वाले हैं। 2016 सितंबर में आ चुके हैं और बाकी अभी एक दो तीन पेपर बचा हुआ, उसको भी हम लोग जल्द ही कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और प्रीवियस ईयर का 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टू चिल्ड्रेन रीड द सेम पैसेज एट कंस्ट्रक्ट एंटायरली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स मीनिंग। जो दो स्टूडेंट हैं दोनों एक ही पैसेज को पढ़ रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, यानी आपको पता होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर व्यक्ति में। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही दिया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो ऑप्शन 1 हम लोग का होगा ही नहीं। ऑप्शन 2 दिया, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज टीचर हैज़ नॉट एक्सप्लेन द पैसेज। यहाँ पे जो पॉसिबल तो सही है लेकिन ये जो रीजन दिया है ये यहाँ पे रीजन गलत है, ठीक है। ऑप्शन 3 दिया, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इंडिविजुअल फैक्टर इफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेराइड वे। तो अलग अलग तरह से ऑप्शन 3 क्या था, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज डिफाइंड फैक्टर इफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेराइड वे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 4 भी हम लोग देखेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट दे दिया नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन 4 तो ऐसे भी गलत हो गया। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एलिमिनेशन मेथड से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा फिर भी सही आंसर पे आ सकते हैं। क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब NCF, जो कि 4 बार अभी तक आ चुका है। सबसे पहले बार 1975 में आया था, उसके बाद 88 में, उसके बाद 2000 में, उसके बाद 2005 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से लर्निंग क्या होना चाहिए, लर्निंग देखिए पैसिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, NCF क्या कोई भी नहीं मानेगा ऐसा, तो ऑप्शन 2 और 3 नहीं होगा क्योंकि दोनों में पैसिव दिया है। अभी एक्टिव होगा, एक में दिया एक्टिव और सोशल, दूसरा दिया एक्टिव और सिंपल, तो कोई भी चीज़ उतना सिंपल नहीं होना चाहिए, सोशल हो सकता है, सिंपल से बढ़िया सोशल है। देखिए और आपको NCF पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लर्निंग कैसा होना चाहिए, एक्टिव और सोशल होना चाहिए। तो लर्निंग इज़ एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, सोशल, और लर्निंग क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है, हम लोग के लिए सही क्या हो जाएगा, 1 नंबर। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, टू एनेबल स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। एक स्टूडेंट है इंडिपेंडेंटली थिंक कर पाए और एक्टिव लर्नर बन पाए, इसके लिए टीचर क्या कर सकता है, वो बताना है। ऑफर रिवार्ड, देखिए रिवार्ड जो देगा बहुत कितना रिवार्ड देगा, ठीक है, बार बार रिवार्ड देगा तो रिवार्ड ही खत्म हो सकता है, तो ऑप्शन 1 ये सही नहीं हो सकता है। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, ऐसा सिखाए कि अपना लर्निंग को कैसे खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है लेकिन बाकी देख लेते हैं, गिविंग इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल, यदि स्मॉल यूनिट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा तो फिर हो सकता है लड़का बड़ा हो जाए, स्टूडेंट बड़ा हो जाएगा तो स्मॉल देकर क्या करेगा। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइज मैनर टू मेक इट्स एजियर, इसलिए प्रोवाइज करें इन्फॉर्मेशन एजियर क्या मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में, क्योंकि उसके रिकॉल करना ईजियर हो जाएगा। तो ये सही रीजन नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव टीचर का इफेक्टिव लर्नर बनाने का एक सही रीजन नहीं है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 2 जो दिया है ये सबसे बेस्ट है कि ऐसा स्टूडेंट को बनाए कि अपना लर्निंग को खुद मॉनिटर कर पाए, जिसके बदलत से वो फ्यूचर में भी खुद ही खुद अपना जो गलती है उसको ठीक कर पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ हमारे लिए सही होगा। क्वेश्चन कितना था, 3 था, 4 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। इफ़ ए टीचर वांट हर स्टूडेंट टू बी एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, यदि टीचर चाहता है कि बच्चा एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर स्किल डेवलप कर पाए, एक्वायर कर पाए, द स्टूडेंट शुड एंगेज इन द एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, तो स्टूडेंट किस टाइप का एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। देखिए स्ट्रक्चर वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल MCQ टाइप, तो देखिए यहाँ क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है इसमें, जैसे कि एग्जाम में जो होता है वो क्लोज एंडेड होता है, इसमें मतलब फिक्स होता है कि यही सही हो सकता है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, उसमें आप अलग अलग टाइप में सोचने के लिए मजबूर होंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें डेवलप होगा, इसमें तो नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। रट्टाबाजी मेमोराइजेशन तो बिल्कुल कराना नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 भी चला गया। डिटेल प्रैक्टिस हो सकता है, लेकिन उससे बढ़िया ऑप्शन 4 देखिए क्या दिया, इंक्वायरिंग रीजनिंग डिसीजन मेकिंग, यदि स्टूडेंट अपना इंक्वायरी करेगा, अपना खुद का रीजनिंग लगाएगा और मीनिंग मेकिंग करेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका है
बच्चों को एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए और वो लोग में क्या करना, वो लोग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन नंबर 4 है। तो हमारे लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, नोइंग द नाइव्स कॉन्सेप्शंस दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लास, यानी बच्चा जो भी कॉन्सेप्ट घर से लेकर आता है इसको क्या करना चाहिए टीचर को। पुट्स डाउन टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीज द वर्क, ऐसा लेके आता है बच्चा तो इस टीचर को मोरल डाउन करता है और इसका टीचर को वर्क बढ़ा देता है। तो टीचर क्यों आया है, तो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन गलत होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। बच्चा जो भी लेके आए घर से या क्लासरूम में लाए उसको टीचर को सबसे पहला बात रिस्पेक्ट करना होता है। डज नॉट सर्व एनी पर्पज, कोई पर्पोज ही सर्व नहीं करता है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। हेल्प द टीचर टू प्लानिंग टीचिंग मोर मीनिंगफुली, टीचर को ऐसा होने से वो मीनिंगफुली अपना प्लानिंग कर सकता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट है। हैम्पर्स भी नहीं करता है तो 4 भी नहीं होगा, तो हमारे लिए ऑप्शन 3 यहाँ पे सबसे बढ़िया आंसर है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही पढ़े, अभी तो कॉन्सेप्ट हम लोग देखे ही नहीं। क्वेश्चन 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट लर्निंग, क्या लर्निंग का इफेक्ट करता है, मोटिवेशन भी करता है, मैच्योरेशन भी करता है। मैच्योरेशन क्या होता है, जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे ग्रोथ है वो मैच्योरेशन का ही पार्ट है। टीचिंग स्ट्रेटजी फिजिकल इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, यानी ABC तीनों, ABCD चारों सही है, लर्निंग को इफेक्ट करता ही करता है। तो ABCD किस में दिया है, ऑप्शन ए की में दिया है, ए में ABCD, तो ऑप्शन ए यहाँ 1 वहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है आगे क्वेश्चन 7, मीनिंगफुल लर्निंग कब होता है, पेयरिंग एंड सिचुएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में पेयरिंग हुआ तो मीनिंगफुल लर्निंग, बिल्कुल 100% सही नहीं है। इमिटेशन देखिए कब तक चलेगा, बहुत दिन तक तो नहीं चलेगा, पैसिव तो कुछ होता नहीं है। ठीक है पेडागोजी में पैसिव कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं है पैसिव का। ऑप्शन 4, एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, जो भी एक्टिव नॉलेज क्रिएशन होता है अपना खुद का एक्सपीरियंस है वहाँ पे क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होता है। तो ऑप्शन 4 हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शन 4 ही है, तो बाकी ऑप्शन के साथ क्यों जाऊँगा हम लोग, तो ऑप्शन 4 हमारे लिए सही होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ पे कौन सा प्राइमरी टास्क नहीं है टीचर को, ठीक है नहीं, यानी आपको नहीं है जो है वो चूज़ करना है। ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन डायरेक्टिव मैनर, तो जैसा इन्फॉर्मेशन मिला वैसा ही टीचर को क्या स्टूडेंट में डाल देना, ऐसा है तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई किताब में मिल रहा है इन्फॉर्मेशन वैसा ही स्टूडेंट में डाल दे, हो सकता है स्टूडेंट ना समझ पाए, आपको उसको तोड़ मरोड़ को ईजी लैंग्वेज में समझाना होता है। तो यहाँ पे नोट पूछा था, हो सकता है ऑप्शन 1 हो जाए, नोइंग द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लास, टीचर को कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए जो बच्चा घर से ला रहा है यानी क्लासरूम में जो ला रहा है, तो ये सही ऑप्शन है, हम लोग गलत सोच करना था। रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड द हाई ऑर्डर क्वेश्चन, ये भी सही हो सकता है, और खुद से टीचर स्टूडेंट मॉनिटर करेगा, ये भी सही आंसर है। तो हम लोग गलत चूज करना था, गलत यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है क्वेश्चन 9 पे चलेंगे, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, वो भी क्या है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बहुत सारा प्रिंसिपल है, लगभग 13, 14, 15 है। इसमें सबसे पहले बोला डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन लर्निंग, डेवलपमेंट मैच्योरेशन लर्निंग दोनों डिपेंड होता है। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि डेवलपमेंट क्या है, जो कि लर्निंग और मैच्योरेशन के साथ होता है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये सही है, प्रिंसिपल भी सही है। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिटी एंड एनवायरमेंट, बिल्कुल सही है, दोनों ही हेरिटी और एनवायरमेंट इंटरेक्शन के साथ ही डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर सही ये भी है, ईच चाइल्ड गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एट देयर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द, हर बच्चा एक स्टेज में रहता है लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, तो ये भी यहाँ पे सही है, बात सही है, डेवलपमेंट भी है। डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होता है, यहाँ पे ही गलत हो गया, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, क्वालिटेटिव होता है, और वैसे बहुत होता है। ठीक है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, और उसको हम लोग मेजर तो नहीं कर सकते, बिल्कुल ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को तो वैसे ही नहीं मेजर कर सकते। तो यहाँ पे ये जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में फिट नहीं हुआ, यानी गलत हो गया, और हम लोग को गलत ही चूज़ करना था, यानी हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डेज एंड डेज कैन रिजल्ट इन डिफाइंड पाथ एंड आउटकम ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या यहाँ पे इंटरेक्शन से जो है डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। तो देखिए हमेशा ही आपको याद रखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन हमेशा ही आया हुआ है, और यहाँ पे हेरिडिटी एनवायरनमेंट ही क्या होगा, यूनिक इंटरेक्शन हो सकता है, तो हमारे लिए 2 सही होगा। ठीक है सिलेबस में चैप्टर भी दिया हुआ है, डायरेक्ट मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशलाइजेशन, ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, स्कूल सोशलाइजेशन रिलेशन में कौन सा ऑप्शन सही है। स्कूल इज ए इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, देखिए स्कूल भी एक इम्पोर्टेंट एजेंट है, तो यह सही है। स्कूल कोई रोल नहीं प्ले करता, ये बात गलत है, लिटिल रोल प्ले करता है, ये भी गलत है, और स्कूल पहला प्राइमरी एजेंट है, पहला तो फैमिली है, तो स्कूल कैसे हो सकते हैं। तो हमारे लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, स्कूल एक इम्पोर्टेंट एजेंट है सोशलाइजेशन का। ठीक है तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजी थ्योरी के हिसाब से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पियाजी आर्ग्यू दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। पियाजी आर्ग्यू किए थे कि क्या क्या है, ऐसा आर्ग्यू नहीं किए थे, बिल्कुल कुछ आर्ग्यू नहीं थे ऐसा कि स्टेज में चलता है वगैरह वगैरह, कंटिन्यूस चलता है भी नहीं बोले थे। वो तो बोले थे डेवलपमेंट क्या होता है उनके हिसाब से स्टेज वाइज चलता है, यानी इस तरह चलता है, एक हुआ दो हुआ ऐसा करके ऐसा चलता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी आ चुका है, डेवलपमेंट स्टेज वाइज होता है यानी डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, तो ऑप्शन वन गलत है, हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। और पियाजी डेवलपमेंट का पाँच स्टेज नहीं दिए थे, चार दिए थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, तो टू भी नहीं होगा। द स्टेज आर इनवेरियंट व्हिच मीन्स नो स्टेज कैन बी एस्केप। ये बात सही है कि स्टेज इनवेरियंट है और किसी स्टेज को छोड़ नहीं सकते हैं, तो सही पूछा था, सही ये होगा। और यहाँ पे क्या है, द सिक्वेंस ऑफ स्टेज कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ कल्चर की बात ही नहीं किए थे, कल्चर तो भाई को उसकी थ्योरी में आपको मिलेगा, ये तो कॉग्निटिव का बात किए थे, तो ये ऑप्शन फोर भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री, हम लोग को सही आंसर चूज करना था, सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन पियाजी मीन्स। तो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जीन पियाजी अपना किस में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में यूज़ किए थे, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट में यूज़ किए थे, कॉन्क्रीट में कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे, और इसमें कंजर्वेशन और साथ में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं था, एक और था कॉन्क्रीट थिंकिंग भी, आपको कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाता है। तो एक बार हम लोग इसको स्टेज को देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि इनके हिसाब से चार स्टेज होता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट का ये क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट में एक रिवर्सिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कंजर्वेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन भी बच्चा करने लगता है, सीरिएशन भी करने लगता है, और जैसे कि मैं बताया कॉन्क्रीट यानी कॉन्क्रीट रीजनिंग भी इसमें यूज़ करने लगता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब यहाँ पे मान लीजिए दो चीज़ें, एक चीज़ ए एक चीज़ ए, यानी बच्चा दोनों में अंतर कर पाता है, यहाँ पे अंतर कर पाएगा, इसमें पानी ज़्यादा है इसमें पानी कम है, ये चीज़ बच्चा में यहाँ डेवलप हो जाता है, तो कंजर्वेशन मतलब यही होता है। तो ये देखिए, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन द सेम इवन वेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, यही यहाँ पे सही होगा। देखिए इसका मतलब यही होता है, बाकी ऑप्शन आपको देखना नहीं है, ये आपको याद रखना है, कंजर्वेशन का मतलब यही होता है। ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही हो सकता है यदि उसमें सामान अलग हो, लेकिन वो फिजिकल प्रॉपर्टी उसका सेम हो सकते हैं। क्वेश्चन 14 में मैच द फॉलोइंग करना है हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी के हिसाब से। सबसे पहले हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी पढ़ लेते हैं। हॉवर्ड गार्डनर बोले थे कि इंटेलिजेंस 9 प्रकार का होता है, लेकिन ये भी बोले थे कि 9 प्रकार से भी अलग इंटेलिजेंस हर आदमी में हो सकता है। उसका ट्रिक मैं आपको बताया था, LLM किसने करके याद रख सकते हैं, उनका जो 9 टाइप का इंटेलिजेंस है, LLM KISSNE करके, SNE L से क्या, लॉजिकल, S से लिंग्विस्टिक, M से म्यूजिकल, K से काइनेस्थेटिक, I से इंट्रा, और आई से एक आई से इंट्रा, इंटर और इंट्रा, और एस से स्पेटियल, और एन से नेचुरलिस्टिक, और ई से एग्जिस्टेंशियल, ई से एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैच करना है आपको, LLM किसने, तो इस करके नौ टाइप का इंटेलिजेंस याद कर सकते हैं। अब ये मैच डाउन करना है, देखिए सबसे पहले म्यूजिकल है, म्यूजिकल कौन होता है, जो वायलिनिस्ट होता है, गिटारिस्ट होता है, वो होता है म्यूजिकल, तो ऑप्शन ए किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ। और जो लिंग्विस्टिक होता है, जिसके लैंग्वेज में पकड़ आता है, अच्छा होता है, वो लोग ही पोइट बनते हैं, राइटर बनते हैं, तो ए के साथ कौन सा होगा, 4, और बी के साथ कौन सा होगा, 2। ए का 4 बी का 2 कहाँ दिया, ए का 4 बी का 2, ए का 4 दिया यहाँ पे नहीं दिया है, ए का 4 यहाँ पे भी नहीं दिया है, ए का 4 यहाँ पे दिया है और बी का 2 भी दिया है, तो 3 यहाँ पे, ए का 4 बी का 2 यहाँ तक मिला है, ए का 4 बी का 2 यहाँ पे मिल गया। तो अब देखिए, या तो 4 होगा या तो 3 होगा, ऑप्शन 1 और 2 नहीं होगा। अभी देखते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के, इंटरपर्सनल किसके पास होता है, इंटरपर्सनल स्किल जिसके पास होता है वो थेरेपिस्ट होता है, ठीक है। और आपका जो है स्पेटियल जो होता है, स्पेस में जिसका पकड़ अच्छा होता है, वो स्कल्पचर होता है, ठीक है। स्कल्पचर जो होता है वो स्पेस में अच्छा होता है, वही स्कल्पचर बन सकता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी का 5 था और डी का 3 था, तो डी का 3 तो कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू लेब भाइकोस्की, लेब भाइकोस्की का थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी, लैंग्वेज कल्चर और समाज पर ज़्यादा जोर दिए थे, ZPD MKO और स्कैफोल्डिंग अपना टर्म्स यूज किए थे। तो दिया है यहाँ पे, इंट्रैक्शन विद एडल्ट एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज, इन्फ्लुएंस नहीं होता है पीयर्स और एडल्ट का, ये भी बिल्कुल गलत है, होता है।
लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ द थॉट, ये बात सही हो सकता है। कल्चर प्ले स्मॉल रोल, नहीं रोल प्ले करता है। लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस का बात कौन किए थे, ए नहीं किए थे, ठीक है, नॉम चॉम्स्की किए थे एल ई डी के बाद। तो यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ थॉट, ए यहाँ पे सही है उनके हिसाब से, ठीक है। आगे चलेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज ऑन सेवरल काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग है, 6-3 लेवल और 6 स्टेज दिए थे और उनको बहुत सारा क्रिटिसाइज देखने गया, क्योंकि वो जो अपना थ्योरी दिए थे वो अप्लाई किए थे सिर्फ मेल पर्सन पे किए थे, फीमेल पे नहीं किए थे। तो लेडी गिलिगन नाम का एक व्यक्ति थी, वो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की थी कि सिर्फ मेल पे ही क्यों, फीमेल पे भी आपको यूज़ करना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 4 डायरेक्टली हम आ जाएंगे, कोलबर्ग सेज बेस्ड ऑन द स्टडी फीमेली ऑन द मेल सैंपल, जैसे कि बताया सिर्फ मेल सैंपल पे किए थे, फीमेल सैंपल पे नहीं किए थे, यही उनका क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म बताना था, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे डायरेक्टली सही होगा। आपको पता होगा इनका क्रिटिसिज्म तो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, 17 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो सीखने के दौरान होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जो एंड में होता है, जैसे जैसे एनुअल एग्जाम होता है, हाफली एग्जाम होता है, यानी एंड टाइम जो एग्जाम होता है उसको सब असेसमेंट ऑफ बोलते हैं। यानी ये है फॉर्मेटिव और एक होता है ऑफ वाला समेटिव होता है, ठीक है। ऑफ वाला क्या होता है, समेटिव। तो इसमें क्या है, हाईलाइट द टीचर एसेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट बिसाइड्स फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ये हो सकते हैं। कंपेयर करना, इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक से लेना, ये जो है असेसमेंट फोर का तरीका नहीं है, ये जो दिया है कोई तरीका नहीं है असेसमेंट फोर का। यहाँ पे क्या होता है, लर्निंग को एसेस करके उसको ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे सबसे बेस्ट है, देखिए सही है। चाइल्ड पेडागोजी मतलब क्या होता है, बच्चों का प्रिमेसी, बच्चों का थॉट को ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे टीचर ही सब कुछ करेगा नहीं होगा, स्टूडेंट का प्राइवेसी और वॉइस के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये ऑप्शन सही है। और एनेबल द चिल्ड्रेन टू फॉलो स्कैप इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कहाँ चाइल्ड सेंटर्ड हुआ, यहाँ पे टीचर रीड कराए तो कहाँ चाइल्ड सेंटर्ड हुआ, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। सबसे बेस्ट डिफिनेशन है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मींस गिविंग प्राइवेसी टू चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस। क्वेश्चन 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोत्स्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की और लैंग्वेज के हिसाब से थॉट और लैंग्वेज में क्या बात है, तो वाइगोत्स्की सबसे पहले बोले थे लैंग्वेज पहले था, थॉट बाद में आता है, और पियाजे बोलते पहले थॉट आता है, लैंग्वेज बाद में आता है, देखते हैं कौन सही है। देखिए, मुझे डायरेक्टली दिखाई पड़ा है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्ज फर्स्ट, तो वाइगोत्स्की नहीं बोले थे, पियाजे बोले, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्ज फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट, ऑप्शन 2 ये सबसे बढ़िया है। ये थ्योरी आपको याद रखना है कि पियाजे के हिसाब से सबसे पहले थॉट आता है, वाइगोत्स्की के हिसाब से सबसे पहले लैंग्वेज आता है, ठीक है, दोनों का इफेक्ट होता है। वॉचिंग हर ग्रैंड मदर आर्गुइंग हर फादर विथ हर फादर फॉर गोइंग टू द स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर से वाई कैन नॉट बी ओबीडियंट लाइक गुड बॉय, यू विल मैरी यू इफ यू बिहेव लाइक बॉय। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट, यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अबाउट एट्रीब्यूट ऑफ गर्ल्स एंड बॉय यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। एक जेंडर बेस पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इज करेक्ट, असेसमेंट के यहाँ पे रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट सही है। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी द स्ट्रेंथ एंड गैप्स, देखिए असेसमेंट बच्चों में क्या गैप है उसको दूर करने में मदद करता है, तो ऑप्शन 1 सही है। असेसमेंट तभी सही है जब कॉम्पिटेटिव एवलेशन होता है, बिल्कुल गलत, कॉम्पिटेटिव एवलेशन करना नहीं होता है। असेसमेंट सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं करता है बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी चेक करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा और सी सही होगा। तो यदि 2 सही हो गए तो देखिए ऑप्शन में कहाँ, सब में 2 ही दिया है, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरी नहीं है, तो ए और सी सही होगा। ए और सी कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, ठीक है। बाकी टाइम वो सबको करना ही नहीं है, पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ऑप्शन डी, असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पजफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फेयर और एंजाइटी, इंड्यूस करना नहीं मकसद नहीं होता असेसमेंट का, ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 में आता है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड स्टडी क्या करते हैं, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, होम घर में पढ़ना चाहिए स्पेशल वाला बच्चा, नहीं स्पेशल स्कूल में पढ़ना चाहिए भी नहीं है, इन एक्सक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विथ प्रोविजन टू कैटर देयर इंडिविजुअल नीड्स, तो एक्सक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब सेटअप के हिसाब से पढ़ना चाहिए, यानी एक ही क्लास में लेकिन उसको विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा करके स्पेशल स्टूडेंट को आपको 2009 आरटी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचर इन ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट कैम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड शुड, तो अलग अलग डाइवर्स का बच्चा यदि स्कूल में आ रहा है तो टीचर इफेक्टिव क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए,
इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना नहीं है। और डिप्राइव बैकग्राउंड को हार्ड वर्क देना चाहिए, अभी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे हार्ड वर्क देना है, डिप्राइव बैकग्राउंड बच्चों को ऐसा नहीं कराना है, ठीक है, इग्नोर भी नहीं करना होता है। और क्या करना होता है, ऑप्शन फोर में क्या दिया है, वो लोग को क्या करना है, सेम क्रिएट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विथ दोज फ्रॉम सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक ही बैकग्राउंड का इकोनॉमिक को ग्रुप क्रिएट करना है, तो यही भी मकसद नहीं होता है। फोकस करना होता है ऑन कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस, वो लोग कल्चरल नॉलेज पे फोकस करना है और उसके द्वारा इंडिविजुअली आप उसको एसेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन टू यहाँ पे सही है। मैच द फॉलोइंग करना है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, देखिए सबसे पहले अप्रोक्सीमेट डिजिटल किसके साथ होगा, तो एक दो पता होगा तो भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट किस क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट यहाँ पे सेंटर्स आउटवर्ड होता है, तो ऑप्शन ए किसके साथ जाएगा, ए जाएगा फोर के साथ, तो ए फोर हो गया। और सेफलोकोडल में क्या होता है, हेयर से टो होता है, ठीक है, तो ए होगा फोर और बी होगा टू, ए फोर बी टू कहाँ पर दिया है, ए फोर नहीं है, ए फोर यहाँ पे है, ए फोर बी टू डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, ए फोर बी टू इसी में दिया है, तो ऑप्शन फोर होगा। बाकी देख लीजिए, सी वन होगा और डी थ्री होगा। सी वन में क्या दिया है, सी वन क्या है, इंटर मैंने होता है डिफाइंड चिल्ड्रेन डेवलप बाय डिफाइंड रेट, और डी में क्या दिया है, डी में क्या दिया था, डी थ्री दिया है, थ्री में क्या दिया है, एक ही बच्चा में डेवलपमेंट अलग अलग हो सकते हैं, उसका मतलब होता है इंट्रा, ठीक है, तो फोर यहाँ से होगा। आगे चलें, क्वेश्चन 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन इमोशन इज करेक्ट, कॉग्निशन इमोशन दोनों इफेक्ट दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता है, तो उससे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन वन सही है, कॉग्निशन इमोशन इंटरटेन होता है और दोनों इफेक्ट करता है, बाकी ऑप्शन दिया है कि कोई इफेक्ट नहीं करता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, गलत ऑप्शन है, तो हमारे लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्लासरूम में पीयर कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग मतलब होता है कि क्या होगा, स्टूडेंट आर एक्टिवली जहाँ पे क्या होगा एक्टिवली प्रमोट करें और फैसिलिटेट शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू द टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ पे कंपेयर नहीं करना होता, डिस्करेज नहीं करना होता है, और सेग्रीगेट भी बिल्कुल मकसद नहीं होता है डाइवर्स लर्नर क्लासरूम में, एक्सक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे थ्री सही होगा। 27 में, ए टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, टीचर डाइवर्सिटी कैसे एड्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस को, सोशल कल्चर बैकग्राउंड पेडागोजी जान के, एकोमोडेटिंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल करके, ए बी सी सही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन देके नहीं कर सकते हैं, तो ए भी यहाँ पे सही होगा, कौन सा ऑप्शन में दिया है, ए बी सी ऑप्शन नंबर चार, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म करके नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर चार। ए टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर सर्फ एज ऑफ फर्नीचर टू विथ कॉटन एंड यूज टच एंड फील, टच एंड फील हो रहा है, यानी कोई बच्चा टच एंड फील कर रहा है, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम, यानी विजुअल प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, वन, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, गिफ्टेड चिल्ड्रेन आर बेस्ट कैटर टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम देंगे तो गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, जहाँ पे अपना दिमाग लगा पाए, ठीक है, देखते हैं कहाँ लगा पाएगा, यहाँ गिफ्ट देंगे तो नहीं लगाएगा, जहाँ मास्टरी करेगा यहाँ नहीं लगाएगा, स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू एंगेज देयर डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पे यूज़ करेगा वहाँ पे क्या होगा, गिफ्टेड स्टूडेंट बेस्ट एजुकेशन कैटर कर पाएंगे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे थ्री सही होगा, ठीक है। 140 आई क्यू प्लस होता है गिफ्टेड स्टूडेंट का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेलियर ऑफ स्कूल आर करेक्ट, स्टूडेंट स्कूल का फेलियर के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, स्टूडेंट बिलोंग टू सर्टेन कैटर्स कास्ट एंड कम्युनिटी फेल सिंस दे आर नॉट एबिलिटी, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, स्टूडेंट फेल इन द स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवार्ड्स आर नॉट, रिवार्ड नहीं दिया जा रहा है इसलिए फेल, ये भी गलत है, स्टूडेंट फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट, टीचिंग अच्छा नहीं हो रहा है इसलिए फेल हो रहा है, बात सही है, स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट कैटर, तो ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही है, देखिए पढ़ के देखिए, ठीक है, सी डी किस में दिया है, सीधे किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर वन, तो ऑप्शन नंबर वन यहाँ सही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ 30 जो पेडागोजी एमसीयू की था प्रीवियस ईयर के द्वारा 16 सितंबर महीने का, वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, और अगले वीडियो में बाकी जो पेपर बचा हुआ उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।